वर्तमान समय में नगरीय निकाय चुनाव के माहौल प्रदेश में देखे बर मिलत है। बात करबो बेमेतरा जिला के नगर पंचायत देवकर की, जिहां वार्ड नंबर 7 में उपचुनाव बदादन के वार्ड के पूर्व प्रत्याशी द्वारा इस्तीफा दिए के बाद ये सीट खाली हो गई रही। ये सीट में चुनाव पहले ही हो जाना रही, फिर कोरोना के चलत चुनाव नहीं हो पाई। चुनाव के माहौल में ये दौरान दोनों प्रमुख पार्टी अपन जीत लले के दावा करत है, फिर जीत काकर होते ये तो अवैया समय में ही पता चलती। ये दौरान कांग्रेस कति ले नगर पंचायत अध्यक्ष जंत्री बिहारी साहू, पूर्व अध्यक्ष पन्नालाल जैन समेत जम्मो कांग्रेसी उपस्थित रहे। इन्हें भाजपा कति ले मंडल अध्यक्ष परपोड़ी राजेंद्र ठाकुर, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल और अन्य मन मुख्य रूप ले उपस्थित रहे। और यहाँ आप देख सकते हो कि आज नगर पंचायत देवघर में कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी दोनों नामांकन भरे ला है। काबर की मैं बता देना चाहता हूँ कि एक वर्ष पूर्व वार्ड 7 जो नगर के वार्ड 7 है दिन खाली हुए, वहाँ के जो पार्षद रिक्त न अनुकंपा नियुक्ति के चलते अपन ज्वाइन कर ले नौकरी और जिन जगह खाली तो चुनाव होना रही, लेकिन कोरोना काल के चलते अभी वो चुनाव नहीं हो पा रही थे और सरकार द्वारा ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में अभी लागू करे, तो वही क्रम में आज नगर पंचायत देवघर में भी ये वार्ड 7 के लिए उपचुनाव किए जाते हैं। तो वही में आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी दोनों नामांकन भरे लाए हैं यहाँ पे नगर पंचायत देवघर में। नगर पंचायत देवघर में यहाँ वार्ड 7 के चुनाव होने उपचुनाव होने और आज नामांकन के भरे पर आज हमारे प्रत्याशी यहाँ आए हैं। वार्ड 7 से पहली सीट में मिथुन कुंजाम पार्षद रही से, जिन्हें अपन पिताजी की जगह अनुकंपा नियुक्ति के कारण वार्ड छोड़े पड़े और सरकार के नियम के अनुसार वार्ड में उपचुनाव होने कोरोना काल के स्थिति में उपचुनाव नहीं हो पा रही और आज वो नामांकन भरे थे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष वर्मा भी हमारे साथ अभी है। हम उनकर से जानना चाहो ये चुनाव कैसे रहे, कहा कैसे लड़े जाए, तो जी आप बताना चाहो कि चुनाव की आपका लगा थे दादी। आज हम मन देवघर नगर पंचायत देवघर के वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव के संदर्भ में नामांकन फार्म भरे पर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पूरा कांग्रेस साथियों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 7 में हमेशा कांग्रेस प्रत्याशी ला वहाँ की जनता के आशीर्वाद खूब मिलते हर चुनाव में। इस समय आशा करता हूँ कि पिछले से भी ज़्यादा आशीर्वाद जनता हमारे प्रत्याशी दी है, खूब वोट से भी जीत रहे हैं। बीच में वार्ड नंबर 7 के कांग्रेस प्रत्याशी राजू कंजाम जी अभी हवे, हम उनका से जानना चाहबो कि चुनाव कुल मिला के कैसे रही, कैसे वो क्या उम्मीद है चुनाव लेके। तो राजू भाई हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये चुनाव आए हैं वार्ड 7 के उपचुनाव में, अपन भाई की जगह आप नामांकन आप दाखिल करब, आप अपन जीत के प्रति कितना आश्वस्त हो? मैं पूरा स्वस्थ हूँ, लगातार घर हर है कांग्रेस के घर है वार्ड और वार्डवासी बहुत उत्साहित है और हमेशा तरह की इस तरह भी हमारे कांग्रेस की ही जीत हुई। बाद में उपचुनाव में आज यहूमन दमखम के साथ नामांकन दाखिल करे, हम उसे जानना चाहबो कि का विश्वास लेके मैंने चुनाव में आए, तो मंडल जी आपसे पहले जानना चाहबो कि चुनाव जिन हुआ तो मैं आपके प्रत्याशी के तौर पे महेश कुंजाम है, तो आपने कितना भरोसा है? महेश कुंजाम निश्चित रूप से विजय हासिल करके आए, काबर की एक पहले जो नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीते वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और मुद्दा तो बहुत सारा है और हमारा चुनाव हम जीत गया बहुत अच्छा तरीके से। हमारे साथ प्रत्याशी महेश कुंजाम भी उखरो जानना चाहबो कि कितना भरोसा है अपन जीत ऊपर? भरोसा का है भैया, उनके परिवार से बना दावा थे कांग्रेस के किसी साल से, ये समय परिवार की किला तोड़ना है और बीजेपी को वहाँ जीत जाना है वहाँ से वार्ड नंबर 7 से। तो कुल मिला के दोनों पक्ष भाजपा और कांग्रेस अपन अपन जीत के दावा कर रहे थे। साझा धंधा विधानसभा से विजय चौबे न्यूज 36।